आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका ने श्यामगढ़ नगर में रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ नगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करते हुए कहा है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी पगार बढ़ाई जाए। साथ ही कई मांगों को लेकर के आसपास क्षेत्र के 12 सेक्टरों की आसपास क्षेत्र के कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी कई मांगे हैं जिन्हें यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करते हुए पूर्व करने को लेकर के ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रही हैं। यदि पूरी नहीं होती है तो इस क्षेत्र के सभी 12 सेक्टरों को तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं भोपाल जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और शिवराज सरकार से विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर मांग करेगी। उनकी मुख्य रूप से परमानेंट करना एवं ऐसी कई मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी है और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्यामगढ़ नगर के तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे पूरी करने की बात कही। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। बलिदानों की अभी तक हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं हुई है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे 10,000 में हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता है। हमारे महंगाई का जमाना है। गेहूं खरीदने जाते हो, हमारे कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का गरीबी रेखा का कूपन नहीं है, कोई के बीपीएल का कूपन नहीं है। एक भी कार्यकर्ताओं के पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सभी माता बहनों से कि गरीबी रेखा के लिए जो हमें सबके समक्ष जो है ये बात रखूंगा। नहीं, गरीबी रेखा का कूपन नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है। हम इलाज करवाने जाते हैं, हमारी फीस लगती है, हमारे पैसे लगते हैं और सरकारी में डाल देते हैं तो 6 महीना तक हमारी तरफ देखते नहीं है। जी, तो और यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौन कर रही है, आंगनवाड़ी का कार्य कौन कर रही है? जो गरीब महिला है, परित्यक्ता है, विधवा है और गरीब परिवार की, वही आंगनवाड़ी का काम कर रही है। नहीं कि पैसे वाले की बहू आंगनवाड़ी का काम कर रही है, ये हमारा काम है। हम शासन प्रशासन तक काम कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए। गोलियों में कोरोना काल में हमने गोलियां वितरण करी। बड़े बड़े टीचर लोग को 80,000 रुपए मिलते हैं, वो घर में आईएस की तरह पंखे के हमने सोए और रात के 8-8 बजे हम कोरोना काल में कोविड करने हम गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपका आवेदन जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो है आगे।